सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हो इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, लेकिन इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर पीएचसी में पदस्थापित लैब टेक्नीशियन दिनेश शाह के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, जहां लक्ष्य को पूरा करने के लिए जांच के बाद कंटेनर में फेंके गए स्वैब का दोबारा अलग अलग सैंपल बनाकर आरटीपीसीआर के लिए भेज दिया गया। एक ही दिन में 115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई और इस वृद्धि के बाद मामले की जांच के लिए एक टीम का भी गठन किया गया, जिसमें जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लैब टेक्नीशियन का कहना है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया है, फिलहाल अब उसे निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। हाँ, इसमें कल्याणपुर प्रखंड में अप्रत्याशित रूप से पॉजिटिव मरीज 115 केस मिल गए, तो उसके लिए जांच टीम हम लोग गठित किए थे। जांच टीम गठित होने के बाद पता चला कि नहीं, वहाँ के एक एलटी हैं दिनेश झा जी, उनके द्वारा गलत तरीके से मतलब कंटेनर में रखे गए स्वाब से ही सारे के सारे जांच कर दिए, जिसके कारण पॉजिटिव आ गया था। उसको हम लोग यहाँ पर टीम के अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं और स्थानीय थाना में उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी।